डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी है, यानी जनरल अपीयरेंस की बुनियाद पर वायरसेस के तीन ग्रुप्स होते हैं। नंबर वन है स्फेरिकल वायरसेस। ये स्फीयर या राउंड शक्ल में होते हैं और इनका एग्जांपल है पोलियो वायरस। सेकंड नंबर है टेटपोल शेप्ड वायरस, और ये टेटपोल की शक्ल के होते हैं, जैसा कि बैक्टीरिया पेज वायरस होता है और इस तरह का एक शक्ल होता है इसकी। थर्ड नंबर है रॉड शेप्ड वायरसेस, और इसका एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस, और इस तरह का एक साइलेंड्रिकल रॉड शेप्ड का शक्ल होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस वह वायरस होता है जो टोबैको प्लांट के लीव्स पर अटैक करता है और उनको दानेदार बना के मोज़ेक शक्ल इख्तियार करते हैं। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट, कि जिस होस्ट पर ये अटैक करते हैं तो उसी बुनियाद पर इनकी तीन ग्रुप्स होते हैं। फर्स्ट नंबर है एनिमल वायरसेस। ये एनिमल्स और ह्यूमन पर अटैक करते हैं, जैसा कि ह्यूमन में ये मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ काज करते हैं, और इनको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि पोलियो होता है, स्मॉल पॉक्स होता है, मीज़ल होता है, मम्प्स होता है और इन्फ्लुएंजा होता है। तो इन सब को मम्प्स के अलावा डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मम्प्स वह डिजीज़ होती है जो कि पेरोटिड ग्लैंड्स के स्वेलिंग के साथ रिलेटेड एक डिजीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट वायरसेस होते हैं, और ये प्लांट में मुख्तलिफ डिजीज़ काज करते हैं या इन्फेक्शन काज करते हैं, जैसा कि ऊपर हमने अभी TMV की बात की। और थर्ड नंबर बैक्टीरिया पेज हैं, जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल की बुनियाद पर DNA वायरसेस होते हैं और RNA वायरसेस होते हैं। DNA वायरसेस सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, और ये भी सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन कुछ वायरसेस में DNA मौजूद होता है और कुछ में RNA मौजूद होता है। अच्छा, अब RNA वायरसेस में अगर मज़ीद क्लासिफिकेशन करें तो रेट्रो वायरसेस कुछ होते हैं और कुछ नॉन रेट्रो वायरसेस होते हैं। रेट्रो वायरसेस वो वायरस होते हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं, यानी ये ट्रांसक्रिप्शन के अपोजिट करते हैं और ये नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनना होता है, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में RNA से DNA बनना होता है। तो यही फ़र्क होता है, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन होती है वायरसेस में, लेकिन आपके लेवल के मुताबिक यहाँ तक ये काफ़ी है। ओके, थैंक यू।